आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर तनुज वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जलवा प्रयागराज से बात कर रहा हूं। आज इस सुसाइड प्रिवेंशन डे के मौके पर हम बात करेंगे सुसाइड के बारे में, क्यों इसके बारे में बात करना जरूरी है, सुसाइड होता क्या है और इसका रोकथाम कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो ये जानना वाले बहुत जरूरी है कि सुसाइड के बारे में बात करना इम्पोर्टेंट क्यों। सुसाइड इस समय की एक बहुत भयंकर महामारी के रूप में बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें तो पिछले 4 सालों में इसकी प्रेवलेंस यानी कि नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने सुसाइड किया है वो लगभग 10 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर 2020 का डाटा उठाएंगे तो लगभग 1 लाख लोगों ने सुसाइड कमिट किया था। 2023-24 में बढ़ते बढ़ते ये संख्या 11-12 लाख तक पहुँच चुकी है। तो ये किसी भी शारीरिक बीमारी जैसा ही महामारी है जिसके बारे में बात करना बहुत आवश्यक है। सुसाइड होता क्या है? सुसाइड का मतलब होता है अपनी जान देने के ख्याल आना या मन में ऐसे विचार आना कि हम अपने आप खत्म कर लें। वैसे तो ये हर एज ग्रुप में इसका असर पड़ता है, लेकिन आजकल के ट्रेंड में देखा जाए तो जो बच्चे जवान होते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन में इसका असर ज़्यादा देखा जा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, पढ़ाई का प्रेशर हो सकता है, दोस्तों का प्रेशर हो सकता है, नशा वगैरह लेने के कारण ऐसा हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे बच्चे में ऐसे कोई लक्षण है, इसके रिस्क फैक्टर्स या इसकी पहचान कैसे की जाए कि उसके मन में सुरक्षा ख्याल आ गए। अगर आप अपने बच्चे के या घर में किसी इंसान के व्यवहार में कोई बदलाव देखें, बदलाव का मतलब आपको ऐसा लगे कि इंसान बहुत खामोश रहने लगा है, ज़्यादा बात नहीं कर रहा, बात बात पर इरिटेट या फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, बात बात पर रोने लग रहा है, रात में उसको नींद ठीक से नहीं आ रही है, बात बात में बेचैन हो जाता है, या आपको दिखाई पड़ता है कि इंसान नहाना धोना ठीक से जो करता था पहले वो कम कर दिया है, अपनी सफाई का ध्यान नहीं रख रहा है, तो ये सब इंडिकेटर्स होते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उसके मन में अपनी ज़िंदगी के प्रति इन्हें इच्छा ना बची हो और सुसाइड ख्याल आ रहे। तो जब हमें ये मालूम पड़ जाए, ऐसा हमें लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें खुल के बात करनी चाहिए। ऐसे विचार आने पे कोई शर्म या अंदर से डर कि हम बताएंगे, लोग मजाक बनाएंगे, ये उसके मन से निकालना है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है जब किसी बच्चे के मन में ये ऐसा आता है या घर में किसी मन में ऐसा आता है तो वो इस बारे में बात नहीं करते। लोग इन बातों को दबाए रखते हैं डर के मारे, शर्म के मारे कि हम किसी से कहेंगे तो मजाक बनेगा, लोग चिढ़ाएंगे कि तो बेकार आदमी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें इस बारे में खुल के बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें क्या दिक्कत लग रही है अंदर से, और पूरा सपोर्ट ऑफर करें ऐसे इंसान को। उन्हें बताएं कि भैया ज़िंदगी बहुत लंबी है, हम रास्ता ढूंढ लेंगे निकलने का जो भी तकलीफ है उससे, और इसके अलावा इतना तो आप घर पे कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको लग जाए कि हाँ इस इंसान में या हमारे बच्चे में ऐसे कुछ इंडिकेटर्स दिख रहे हैं कि सुसाइड प्रिवेंट कर सकता है, तो फिर उचित उपचार की आवश्यकता है, जो दवाओं के माध्यम से हो सकता है या भर्ती करके। उसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यूनाइटेड इंस्टीट्यूट में इसके लिए डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, जो इस प्रकार इसमें आपकी पूरी तरह सहायता करेंगे। तो आप सभी सुनने वालों का बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहूँगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये किसी भी शारीरिक बीमारी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसको बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, या हार्ट डिजीज़, उससे छोटा नहीं है। ये भी आज के ज़माने में बहुत बड़ी महामारी है जिसको पहचानना और उसका उपचार बहुत ज़रूरी। धन्यवाद।